गैस पर खाना पकाना ज्यादा सुविधाजनक होता है। यही वजह है कि चूल्हे सिर्फ गांव के कुछ घरों तक ही सीमित रह गए हैं। हालांकि जिसने भी चूल्हे पर खाना खाया होगा उन्हें इसका स्वाद काफी पसंद आता है। चूल्हे पर खाना तेज आंच पर और जल्दी पकता है, साथ ही इसके धुएं से एक खास सौंधापन और स्मोकी फ्लेवर भी खाने में आता है। अगर आपको भी चूल्हे का खाना पसंद है और ऐसा स्मोकी फ्लेवर गैस के खाने में लाना चाहते हैं तो यहाँ बताई गई ट्रिक को जरूर अपना सकते हैं। आप दाल, पनीर, नॉन वेज या वेज बिरयानी के अलावा किसी भी डिश में स्मोकी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। चूल्हे के खाने की बात ही कुछ और होती है। अगर आप गैस के रेगुलर खाने में चूल्हे वाला सौंधापन लाना चाहते हैं तो आसान तरीके अपना सकते हैं। सबसे कॉमन तरीका है कोयले का इस्तेमाल। इसके लिए आपको गैस पर कोयला गर्म करना है। जब यह गर्म हो जाए तो आप जिस भी डिश में स्मोकी फ्लेवर लाना चाहते हैं उस पर छोटी सी कटोरी या एल्युमिनियम फॉइल में रख कर ये गर्म कोयला रख दें और इसके ऊपर से देसी घी डालें। फिर इसे एक बर्तन से ढक दें, कुछ देर बाद तक बंद ही रहने दें। कोयले का धुआं आपकी डिश में स्मोकी फ्लेवर लेकर आएगा। अगर आपके पास कोयला नहीं है या मिट्टी के दिए को गैस पर गर्म करें, उसको डिश पर रखें और इसमें घी डालकर डिश को बर्तन से ढक दें। खाने में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए आप बड़ी इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी इलायची लेकर इसे आग पर गर्म करें, इसके बाद इसे कूटकर अपनी डिश में डाल दें। आपके खाने में सौंधापन और अलग सा टेस्ट आ जाएगा। खाने में सौंधापन लाने के लिए लोग लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको गैस पर 4 से 5 लाल मिर्च चलानी है, इसके बाद इसे कूटकर किसी भी डिश में डाल दें। कढ़ी या दाल वगैरह में इसे डालने से इसका लाजवाब स्वाद आता है।